मिलता जुलता है, तो इसलिए वो मुसलमान थे, ये हमारा मानना है। इससे पहले किसी भी धर्म शास्त्र में राम भक्त हनुमान के धर्म की ऐसी व्याख्या न देखने को मिली थी, न किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी से हनुमान का धर्म सुनने को मिला था। लेकिन बीजेपी के बुक्कल नवाब ने हनुमान के धर्म पर ज्ञान की गंगा बहा दी। कहा जैसे इमरान, अजान, जीशान, फरमान, वैसे ही हनुमान। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, जीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। हनुमान का धर्म बताने वाले बुक्कल के मर्म ने महाभारत मचा दी। सबसे पहले तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ही बुक्कल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हनुमान जी को मुसलमान जो बता रहे हैं, हमें लगता है कि शायद ये इनके कोई खानदानी होंगे और इन्हीं के, ये उन्हीं बुजुर्गों की शायद कोई औलाद होगी, और इसीलिए अपने बुजुर्गों को लोग याद करते हैं और वो अपने बुजुर्गों की याद करके फिर उनको जो है आगे उनके नाम को रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो नवाब साहब, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपने इन बुजुर्गों का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि शायद वो आपके खानदानी जरूर होंगे। वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनके जहन की परवाज़ जो है वो महदूद होकर रह चुकी है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर ज़रा सा भी उनके अंदर जहन होता तो कभी ऐसा बयान न देते। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हनुमान को इस्लाम का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। इधर हनुमान के धर्म पर गूढ़ ज्ञानी बुक्कल पर बवाल मचा तो वो एक बार फिर सामने आए। इस बार हाथ में कागज पत्थर भी था, मैंने ऐसे मानिए कि प्रमाण लेकर आए बुक्कल, और फिर बोले जैसे रहमान, फरमान, जीशान, कुर्बान, वैसे ही हनुमान। हम बता रहे हैं, हम ये देखिए हम 18 नाम दे रहे हैं आपको, हम 100 नाम आपको पूरे दे देंगे इस तरह के। तो ये नाम से क्या मतलब? नाम से ही मतलब होता है, नाम से ही आदमी का मतलब धर्म पता चलता है। कोई अगर कहते हमारा नाम गंगा प्रसाद है तो आप क्या कहेंगे, मुसलमान है? नाम से हनुमान, लेकिन हनुमान, अरे हनुमान, रहमान, ये सब नाम से ही तो मिलता जुलता है, तो इसलिए वो मुसलमान थे, ये हमारा मानना है। इससे पहले बुक्कल को लोग राजनेता मानते थे, अब शायद उन्हें धर्म का जानकार भी माना जाए। वैसे किंवदंतियां हैं कि हनुमान को अमरत्व प्राप्त था, मतलब अगर वाकई यत्र तत्र सर्वत्र में कहीं भी हनुमान होंगे तो पता नहीं बुक्कल के बयान पर इतरा रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे, मगर इतना जरूर है कि हनुमान को मानने वाले बुक्कल को अज्ञानी कह रहे हैं। बुक्कल नवाब के कुछ ज्ञान नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी के जब अवतार हुआ तो इस्लाम का अवतार ही नहीं था, मुस्लिम कहां से, मुस्लिम का जन्म नहीं हुआ था तो मुस्लिम कैसे हो गए? हालांकि ऐसा नहीं है कि बुक्कल नवाब को सारे संत ज्ञानी कह रहे हैं, कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चलो बढ़िया है, बुक्कल नवाब की आस्था हनुमान में जागी तो सही। बात है, हमें बड़ा हर्ष है, हनुमान जी तो हिंदू है, ना हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, हनुमान जी सारे धर्मों का समावेश है, वो मना रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनका समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी तो बुक्कल नवाब पर भड़क गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी बोल रहे हैं ये बहुत गलत तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से इसकी शिकायत तत्काल ही करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स तत्काल करेंगे। मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हनुमान के धर्म के साथ देश की राजनीति में हनुमान की जाति पर भी चर्चा जोरों पर है। कुल मिलाकर प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान को इस देश की सियासत ने मजाक बनाकर रख दिया।